यहाँ पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हुसैनाबाद विधायक शिवपूजन मेहता सेवा ट्रस्ट की ओर से जपला के कर्पूरी मैदान में सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन कर 101 जोड़ों की शादी कराई गई। विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और 9 दंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में DIG विपुल शुक्ला, उपायुक्त अमित कुमार, SP इंद्रजीत माथा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बिहार झारखंड के जाने माने भोजपुरी गायक प्रमोद प्रेमी ने संगीत बिखेर कर लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नहीं होते, कभी कभी हम परिवार में जाते हैं तो कभी बेटी इस धरती में पैदा होता है तो कहती है परी, हम लोगों के घर में परी आई है, हम लोगों के घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन लक्ष्मी को लक्ष्मी जैसा दिखना चाहिए और उसी दृष्टि से दिखना चाहिए और परी के दृष्टि से दिखना चाहिए। हम लोगों का दृष्टि, वृत्ति और कृति को ठीक करना चाहिए, क्योंकि बेटी केवल घर के शोभा के लिए नहीं होते। बेटी ये लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है, हार दृष्टि दे, इसीलिए इनको द्विता भी कहा जाता है। द्विता मीन्स दोनों परिवार के लिए ही, पिता के परिवार के लिए भी और ससुराल के लिए भी, इसीलिए उनको द्विता भी कहा जाता है। इसीलिए उनको पढ़ाना है, लिखाना है। आज दिखा जा रहा है कि कम उम्र में ही बेटियों को शादी कर दिया जाता है, इसीलिए मर्डर मोर्टालिटी और इन्फेंट मोर्टालिटी झारखंड में बहुत ज़्यादा है। आज केवल इतना ही नहीं, ये आज माल न्यूट्रिशन, बच्ची जो बहुत जल्दी माँ बन जाती है तो इसके बाद उनके बच्चे और खुद भी और माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती है। इसलिए इसको रोकने के लिए इस प्रकार की योजना, इस प्रकार के कार्यक्रम की जरूरत होता है। केवल इतना ही नहीं, आज दहेज जैसा एक राक्षस समाज में फैल रहा है। दहेज के बिना आज बेटियों को शादी नहीं कर पाते हैं माता पिता। कभी शादी करते हैं तो घर के हर चीज, जमीन जायदाद, हर चीज, जितने भी वैल्यूएबल चीज को बेच देते हैं तो सर्वशांत हो जाते हैं। इसीलिए इसको रोकने के लिए हम सबको, जितने भी माता पिता हैं, हम सबको यहाँ संकल्प करना, सबको लेना होगा ना, हम दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। बेटियाँ इतने क्वालिफाई, इतने सुशील है, इतने शांत है, उनके क्वालिटी को देख करके उनको शादी का कार्यक्रम। उसके साथ साथ हम लोग जनसेवा के जो दूसरे कार्य हैं, सामाजिक कार्य, जैसे निचकरण यार आईडी आज 100 जोड़ा का लक्ष्य था, 125 लोगों को हम लोग निरस्त कर दिए, इसलिए कि वो लोग उपहार लेना केवल चाहते। हमारा अभिप्राय है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ। समारोह में फर्जी रिकॉर्डिंग कुछ लोग थे जिनको हमने चिन्हित किया, क्योंकि हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम लोग वैसे जोड़ा को आग्रह करते हैं कि आपका गवना हम अपने खर्चे करेंगे। उनका ये शादी में दिया गया है, पलंग दिया गया है, बड़ा ट्रंक दिया गया है, पूरा बर्तन सेट दिया गया है, बाल्टी सेट और 5 गहना दिया गया है, जिसमें पायल है, नोज पिन है, फोरिया है, मेहंदी छल्ला है, कलाई घड़ी है, लेडीज जेंट्स का जो दोनों को घड़ी दिया गया है, सैंडल दिया गया है, जूता दिया गया है, कपड़ा दिया गया है, पंखा दिया गया है, सिलाई मशीन दिया गया है। ट्रस्ट का उद्देश्य है समाज में जो व्याप्त दहेज जैसा दानव दहेज प्रथा को उन्मूल करना और बेटी के प्रति जो नकारात्मक रवैया है लोगों के अंदर, उस नकारात्मक रवैये को दूर करना और जो बाल विवाह एक बहुत बड़ा कोर है, इस बाल विवाह को रोकना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है। ट्रस्ट चाहती है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा, दहेज जैसी कुप्रथा, अशिक्षा जैसी कुप्रथा समाप्त हो और उसके दिशा में ट्रस्ट हमेशा प्रयासरत है। अपनी बेटी के शादी तो लोग एरोप्लेन से मंगा के कर ही लेते हैं, लेकिन गरीब के बेटी के शादी में एरोप्लेन अगर आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी ट्रस्ट की उपलब्धि है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहे, हमारे ट्रस्ट को मिलता रहे और हम लोग जन सेवा में तत्पर रहेंगे, आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।